नमस्कार दोस्तों, यूनी गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो मैंने लगभग दिसंबर करीब में कुछ एंडेनियम को निकाल दिया था और उन्हें मैंने एक डब्बे में रख दिया था, तो मेरे पास इतने सारे एंडेनियम्स हैं। तो लगभग मैंने इन्हें चार कैटेगरी में रख दिया, जो सबसे बड़े रूट हैं, जो इस तरह के काफी बड़े बड़े रूट्स हैं, ये देखिए काफी बड़े। तो इन्हें एक कैटेगरी में रख दिया है और उससे छोटे रूट है उन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया, उनसे जो छोटे रूट है वो और इनसे छोटे रूट है। अब मैं धीरे धीरे इन सब की रिपोर्टिंग करूंगा। ऑलरेडी मैं मुझे काफी देरी हो गया है इनके रिपोर्टिंग करने में, कारण कि मुझे वक्त नहीं मिल पाया। तो अब मैं इनके साइज के अनुसार, मेरे पास पॉलिथीन बैग है, उसमें मैं लगा के इन्हें लगभग 15-20 दिन के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं इस पे ग्राफ्टिंग कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि इसमें स्प्राउटिंग भी हो रही है, सब में स्प्राउटिंग लगभग देख सकते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा स्प्राउटिंग हो रहा है। तो ये लगभग सारे मिला के मेरे पास तकरीबन 150 के करीब में होंगे एडेनियम। तो इसमें एक खराब भी हो रहा था जिसे मैंने कर दिया है, लेकिन ये रिपेयरिंग हो जाएगा, इसे मैं छोड़ दूंगा, इसे अभी रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। तो ये सूख जाएगा और फिर मैं फंगीसाइड लगा के इसे लगा दूंगा, तो ये खराब नहीं होगा, ये पौधा सक्सेस हो जाएगा। तो मैं इसे साइड में, तो सबसे पहले मैं छोटे वाले को रिपोर्टिंग करूंगा, फिर उसके बाद इसे और फिर इसे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रिपोर्टिंग करने में इन्हें 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। तो बड़े वाले हैं वो डायरेक्ट धूप में अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन छोटे वाले हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले छोटे वाले को करूंगा, उसके बाद इसे और उसके बाद इसे, फिर मैं इसे करूंगा। तो इसे मैंने अपने ही सीड से ग्रो किया था और फिर मैं जो सीड लगाया था उसे मैंने, जो मेरा बड़ा सा पॉट है जिसमें मैंने इन्हें लगाया था, तो उसमें मैंने उसे भी लगा दिया है। तो वो भी हमको लगता है कि 3-4 महीने के बाद अच्छा प्लांट तैयार हो जाएगा। और इस समय में गुलाब की काफी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, ये देखिए। ये मैं एडेनियम के साथ इसकी अपडेट दे दे रहा हूँ, जो कि अभी धीरे धीरे काफी गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, ये देखिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए। तो जो सबसे छोटे थे और जो उनसे बड़े थे, मैंने उन सब की रिपोर्टिंग कर दी। तो इसमें लगभग मुझे 2.5 घंटे के करीब में लगा, और इनका सॉयल मिक्स है 40% गार्डन सॉयल और 30% काउ डंग, 30% सैंड, और इनसे मिला के मैंने इन्हें पानी दे दिया है। इसमें पानी स्टे नहीं कर रहा, एकदम ड्रेनेज काफी अच्छा है। तो इनकी रिपोर्टिंग हो गई और बाकी मेरे जो है ये दो भाग बचे हुए हैं, तो इन्हें मैं मौका मिलते ही रिपोर्ट कर दूंगा।